हमारे आज के ओनर है अर्नब, जो रहते हैं पूना में, है एक आईटी डेवलपर और चलाते हैं महिंद्रा XUV300। वैसे ट्रैवलिंग इनका पैशन है और ये गाड़ी लेके कभी भी निकल जाते हैं बाहर जब उनको मौका मिले। तो चलिए जानते हैं इनकी XUV300 की कहानी इन्हीं की जुबानी। एंड मोर ओवर, अगर आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ तो चले जाए motorrocktin.com/mystory और वहां पे आपके और आपके कार के डिटेल्स भर दीजिए। तो अर्नब, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। थैंक यू। इससे पहले मैं कुछ डिटेल्स में जाऊं, मैं जानना चाहता हूं आपका कौन सा वेरिएंट है, ओके, एंड कब ली थी आपने गाड़ी? ये 008 ऑप्शनल है, पेट्रोल वर्जन है, मैनुअल ट्रांसमिशन है और मैंने ये जुलाई 2020 में लिया था। ओके, एंड अब तक कितनी चल चुकी होगी आपकी गाड़ी? 13,700 प्लस। वाओ, दैट्स अ लॉट ऑफ किलोमीटर। थैंक यू। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने XUV किस वजह से खरीदी? तीन चीज़ें हैं मेन, एक है सेफ्टी फॉर फैमिली, पावर जो सबसे ज़्यादा इस सेगमेंट में, एंड थर्ड कि इसका लुक्स, मुझे इसके लुक्स बहुत पसंद आए इसलिए फिर मैंने XUV300 लिया। ऑलराइट। और जब आप ये ले रहे थे तब आपने कोई दूसरी गाड़ियाँ भी देखी होगी, कंसीडर की होगी? मुझे बता सकते हैं क्या क्या कंसीडर किया था उस टाइम पे? तो मैंने उस समय इको स्पोर्ट्स, नेक्सन और क्रेटा का सेकेंड टॉप मॉडल देखा था। ओके। जिसमें से मुझे इको स्पोर्ट्स का ड्राइविंग एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लगे। okay, जो इससे मैच होते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो थोड़ा सा साइज में छोटा है। तो सेकेंड रो के लिए बहुत ही कंफर्टेबल नहीं था तीन लोगों के लिए। okay. फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे XUV300 के साथ ही जाना है। तो आप बोल रहे हो चौड़ाई में इको स्पोर्ट कम थी? करेक्ट करेक्ट, वरना आप ये या इको स्पोर्ट में से कंपटीशन क्लोज कर रहे। करेक्ट। ऑलराइट, सो फॉर दैट रीजन यू पिक्ड अप दिस। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आपने गाड़ी देखी होगी एंड जब आपने, अभी 13,000 चल गई है, सो व्हाट आर द थिंग्स जो आपको पसंद आई है इस गाड़ी में? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्टेबल, बहुत ही कंफर्टेबल। आई मीन लाइक मैंने इसको हाईवे में लेके गया, मैंने दो बड़े बड़े ट्रिप्स किए हैं, अबाउट 1000 किलोमीटर्स वन साइड, तो 20 घंटे तक लगातार चलाया मैंने इस गाड़ी को, पर मुझे कोई तकलीफ नहीं आया। मतलब मुझे कहीं पर भी रुक के अपना पीठ सीधा करना पड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गाड़ी में इतना कंफर्टेबल है कि मैं इसको और शायद चार, मतलब पूरे दिन भर के लिए चला सकता था, शायद 24 घंटे भी कर सकता था। तो इसका कंफर्टेबल एक तो बहुत अच्छी चीज़ है। सेकंड थिंग इसका पावर है, पावर इतना ज़्यादा है कि मुझे पता ही नहीं चलता हाईवे में कि ये 100 पे कब चला गया। मुझे देखना पड़ता है, यहाँ पे एक सिस्टम है जिसका जब 120 के ऊपर जाता है तो रेड साइन और बीप साउंड आने लग जाता है, तो उससे मुझे समझ में आता है अरे मैं तो ओवर स्पीड हो जा रहा हूँ, तो उस तब जाके मैं इसको रोकता हूँ, स्लो करता हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आता कि ये कब 100 पे चले आता है। तो ये पावर बहुत अच्छा है इसका। आपने एक ट्रिप की बताई, दो ट्रिप्स बताए आपने किए, तो थोड़ा कुछ मेरे को डिटेल में बता सकते हैं कुछ अबाउट द ट्रिप? तो दो मेन ट्रिप थे एक्चुअली, मुझे फैमिली के पास जाना था, मेरे फैमिली यहाँ से 1000 किलोमीटर्स करीब दूर है, तो लॉकडाउन था, यहाँ पे कुछ करने को था नहीं, फैमिली 1000 किलोमीटर्स दूर है, तो मैंने बोला चलो गाड़ी लेते हैं चलते हैं, क्योंकि कोरोना है तो ट्रेन या फ्लाइट से जाना बहुत ही प्रॉब्लम है, टेंशन है, तो मैंने बोला चलो अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी से उठाते हैं और चले आते हैं। तो हमने गाड़ी लेके गए, तो रास्ते में मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है, मेरा छोटा बच्चा है, तो मुझे खाना पीना सब कुछ गाड़ी में ही करना पड़ा। मैं रोक नहीं सकता था क्योंकि वो रोकता तो फिर प्रॉब्लम होती, मुझे लेट होता, तो मैंने गाड़ी, मतलब मैंने उसको ऐसे घर जैसा यूज़ किया है। रास्ते में मैं उसमें आराम भी किया, मैंने उसको ड्राइव किया, खाना पीना सब मैंने गाड़ी में किया, पर मुझे रास्ते में कहीं तकलीफ़ नहीं हुई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, दोनों ट्रिप्स में कोई इशू नहीं आया, और कोई भी रोड हो, कोई भी रोड में चले आता, ऑफ रोडिंग में आप बोल दो, मतलब नॉर्मल ऑफ रोडिंग करेंगे तो ये चले आती है, कोई इशू नहीं आया। मैं, मुझे मतलब जितना मज़ा इसको चला के आया दूसरे गाड़ी में शायद ना आए। ओके ओके, सो अभी आपने जो 13,000-14,000 ऑलमोस्ट 14,000 में पकड़ के चल रहा चलाया, उसमें आपको ऐसे कुछ फीचर्स थे जो, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जब आपने ऑफकोर्स रिसर्च किया होगा अपना पूरा, लेकिन बाद में पता चला हाँ अरे ये ऐसा है, मुझे तो पता भी नहीं था? हाँ, एक पॉइंट था, आई मीन लाइक मैंने तो नॉर्मली ब्रोशर में पढ़ा था सब कुछ फंक्शनलिटी, मेरे को पता था कि कहाँ से क्या चालू करना होता है, जो चीज़ पता नहीं थी मैंने डीलर से पूछ लिया था।
तो मुझे पता नहीं था कि इसमें जो रिवर्स कैमरा है उसमें दो दो इसके एंगल्स होते हैं, एक लंबे के लिए और एक एकदम पास में अगर पार्किंग कर रहा हूँ तो उस समय, करेक्ट। तो मुझे वो आइडिया नहीं था, आई डोंट नो, मतलब मेरे पुराने गाड़ी में था नहीं या मैंने उसमें चेक नहीं किया, पर इसमें मुझे वो चलाते हुए यूज़ हुआ। और शहर में अगर पार्किंग करने जा रहा हूँ, जो वाइड एंगल है वो जो क्लोज में मुझे पता चलता है कि पीछे कौन सी गाड़ी है, कितना दूर है, वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगा इन सिटी पार्किंग। सो अर्नब, आपने गाड़ी लगभग 14,000 चलाई है, आपको माइलेज कितना मिला है अप्रॉक्सीमेटली? सिटी में मुझे 13-14 तक मिल जाता है एंड ऑन हाईवे मुझे 16 मिला है। मुझे उम्मीद था कि उससे ज़्यादा मिलेगा पर नहीं, 16 मिला है मुझे। एंड आपकी ड्राइविंग कैसी है, लेट मी आस्क दैट पार्ट ओपनली, क्योंकि जनरली क्या होता है कोई कोई लोग बहुत प्यार से चलाते हैं और बोलते हैं मुझे 16-17-18 आ गया, फिर एवरीवन जो तेज भगाते हैं उनको नहीं आता। तो आपकी ड्राइविंग कैसी है? तो मैं नॉर्मली सिटी में तो मैं 40 के ऊपर जाता नहीं क्योंकि सिटी में बहुत ट्रैफिक होता है, मैं बहुत जेंटल चलाता हूँ, लाइट फुटेड हूँ। तो मेरा ऐसा है कि अगर हाईवे में जा रहा हूँ तो 120 ऊपर नहीं आता, नॉर्मली मैं 120 तक के रखता हूँ। और हाईवे पे मैं क्रूज़ कंट्रोल बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ जो मुझे हेल्प करता है इसके एवरेज बढ़ाने में, माइलेज बढ़ाने में। तो आप 100-120 के बीच में चलाते हो या 120 के ज़्यादा पास करते हो? नहीं, 100 के पास, 100 के पास चलाते हो। एंड डू यू एक्सेलरेट हार्ड या नॉर्मल? नॉर्मल, लाइट फुटेड। ओके, ऑल राइट। सो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अभी आपने अच्छे पॉइंट्स बताए, एनी शॉर्टकमिंग्स ऑफ द कार? वैसे तो नहीं है ड्राइव के मामले में, बाकी एक ही चीज़ है जो इसका बूट स्पेस, शायद सबको पता है इस गाड़ी में बूट स्पेस सबसे कम है इन सेगमेंट में, पर जो भी बूट स्पेस है वो अगर 2% जा रहे हैं, मतलब अगर आपका न्यूक्लियर फैमिली है तो आपके लिए वो बूट स्पेस काफ़ी होता है, पर अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, मतलब 4-5 पीपल है आपके फैमिली में, तो अगर आप लॉन्ग टूर के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा कम पड़ेगा आपको बूट स्पेस, अदरवाइज अगर आपका न्यूक्लियर फैमिली कोई इशू नहीं है। तो जनरली सिटी जो नॉर्मल यूजेज है वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, जब कभी कभार बाहर जाते हैं तब तब उसमें भी, अगर न्यूक्लियर फैमिली है आपके फैमिली में 3 लोग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें आ जाता सामान, पर जैसे 5 लोग है और सब लोग जा रहे सामान लेके 5-6 दिन के लिए तो उतना सामान नहीं आ पाएगा। अब आपने गाड़ी इतनी चला ली है तो आपका डीलरशिप एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा डीलरशिप एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, एक्चुअली मैं जिस दिन खरीदने गया था उसी दिन से मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। नॉर्मली अभी करेंटली इस गाड़ी के लिए वेटिंग पीरियड है 2-3 मंथ्स मिनिमम, पर मुझे मेरे डीलर ने इसको 15 दिन में डिलीवर किया इवन इन लॉकडाउन पीरियड, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सेकेंडली मेरा इसका 2 सर्विसिंग हो चुका है, फर्स्ट सर्विसिंग है मेरा फ्री जो उसमें 1 रुपए नहीं लगे, सेकेंड सर्विसिंग में मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मुझे 15 मिनट लगे कोई एक बंदे को असाइन करने में, उसने मुझे समझा कोई इशू है कि नहीं है, कोई इशू नहीं है तो वो नॉर्मल लेके गया। मुझे करीब करीब सिर्फ 2-3 घंटे लगे, मैं वहीं पे बैठा था, 2-3 घंटे में उन्होंने मुझे सर्विसिंग पूरा करके दिए एंड द सर्विस कॉस्ट, सर्विस का जो कॉस्ट था वो मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि सिर्फ 2,300 रुपीज़ लगे मुझे इसके सर्विस कॉस्ट में। मैं सोच के गया था कि एटलीस्ट मेरे को चूना लगेगा 5,000 से ऊपर का, पर जब मैं गया मैंने इसका सर्विस कॉस्ट जब मैं इसका पे किया तो मुझे लगा भाई गाड़ी का मेंटेनेंस भी सस्ता है इसका। That's incredible. 2,500 के अंदर is very rare for a full proper service. पर आपका डीलरशिप में एक्सपीरियंस कैसा था, उन्होंने परेशान किया anything of that sort? बिल्कुल भी नहीं, वो लोग बहुत हेल्पफुल थे। लॉकडाउन के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मेरे में एंजाइटी था कि कब गाड़ी मिलेगी, पर वो लोग मुझे हर दो मतलब हर दिन मुझे अपडेट देते थे कि आपकी गाड़ी आ गई है, रजिस्ट्रेशन के लिए जा चुका है, आपको इस तारीख को मिलेगा, आप इतने बजे आइए, मतलब मुझे अप टू डेट रखे उन लोगों ने, डीलर्स ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, इवन इन सर्विसिंग में भी मुझे वहाँ पे जब मैं बैठा था मैं देख पा रहा था मेरी गाड़ी, नॉर्मली हर जगह देखने को मिलता है पर मैं वहाँ पे जाके खड़े होकर भी मतलब मैकेनिक से बात भी कर पा रहा था कि ये गाड़ी का पार्ट में क्या होता है, मतलब इतना ओपन ट्रांसपेरेंट सर्विस मैंने नहीं देखा। चलो, ग्लैड टू हियर दैट। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये गाड़ी लोगों को रेकमेंड करोगे, okay, would you do that? Yes, obviously. अगर आप अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहते हैं और आपको ड्राइविंग करने में अगर मज़ा आता है, प्लीज़ गो फॉर दिस कार, ये बेस्ट है और पॉकेट फ्रेंडली भी है, इतने फीचर्स है कि इतने कम प्राइस में, इस प्राइस रेंज में इतने फीचर्स नहीं होते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, अब मेरे को पता चल गया आप कौन से कैटेगरी में आते हो, लेकिन फिर भी आई विल आस्क यू, 3 कैटेगरीज है, एक वेरी अनहैप्पी कि बस फंस गया गाड़ी के साथ, मजबूरी ले ली, अब मैं जस्टली क्लियर करना चाहता हूँ, सेकंड मुझे पता है इसके प्रोज ये, इसके नेगेटिव्स ये, बट ठीक है, आई एम सैटिस्फाइड विद इट, लाइक शादी हो गई मेरी अब, हो गया, एंड थर्ड इज आई एम वेरी हैप्पी विद द कार,
मैं लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ, विच यू हैव ऑलरेडी डन, करेक्ट, एंड इट्स समथिंग आई एम रियली हैप्पी और प्राउड टू बी ऑफ. आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कार. मुझे मतलब ऐसा लगता है कि ये गाड़ी, अगर मैं दूसरे गाड़ी को चूज़ करता शायद इतना हैप्पी नहीं हो पाता जितना इसको सिलेक्ट करके हुआ हूँ. इवन विद फ्रॉम माई डीलर साइड, फ्रॉम माई सर्विसिंग साइड, फ्रॉम माई ड्राइविंग साइड, सब कुछ में मैं वेरी हैप्पी. तो थैंक यू फॉर योर टाइम अर्नब, थैंक्स अ लॉट. तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द XUV 300 पेट्रोल. अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए. मोर ओवर, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये गाड़ी कैसी है, आपको कुछ और सवाल है अबाउट द XUV 300, प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लो अर्नब, आप हमारी हेल्प कर देंगे यहाँ पे. बिल्कुल, चलो. सो वहाँ पे हमें सपोर्ट मिल जाएगा. अब अगर आपको डाउट्स है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, एक्स या वाई, तो आप मेरे साथ कॉल पे जुड़ सकते हो. मेरी टीम में एक्सपर्ट्स है, उनके साथ कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो. चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ पे अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड बुक योर कॉल टाइमिंग. मोर ओवर, अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखते रहना है तो हर मंडे हमारा ओनर्स रिव्यू आता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए टू द motoroctane यूट्यूब चैनल. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. वी विल एंड द वीडियो है? या चलो, बाय गाइस, बाय.